कानपुर की सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में कुल 275 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और 269,770 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक सीसामऊ का उपचुनाव है, इसके उप निर्वाचन की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है और जिसके अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने का जो दिनांक है वो 18 अक्टूबर है। साथ ही नाम निर्देशन का जो अंतिम दिनांक होगा वो 25/10 होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि 18 तारीख से सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव का निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और परिणाम स्वरूप जो है वो नाम निर्देशन पत्र जो है वो 18 तारीख से दिए जाएंगे और अंतिम तारीख जो है वो 25 अक्टूबर होगी। इसका जो नाम निर्देशन की जांच का जो दिनांक है वो अंतिम दिनांक 28/10/2024 होगा। नाम वापसी 30 अक्टूबर को होगी और मतदान का दिनांक 13 नवंबर है। इसी तरह से मतगणना का जो दिनांक है वो 23 नवंबर है और दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा वो 25 नवंबर 2024 है। अगर हम सीसामऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की बात करें तो इस विधानसभा में 144,214 पुरुष मतदाता हैं और 127,195 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर 2 हैं। कुल 271,411 मतदाता हैं और इसमें ये जो 2024 का लोकसभा निर्वाचन हमारा हुआ था उसका मैं बता रहा था मतदाताओं की संख्या, और अभी जो हमारा वर्तमान में मतदाताओं की संख्या है वो पुरुष 143,213, महिला मतदाता 126,556 और जो ट्रांसजेंडर है वो ये कुल मतदाता 269,770 हैं। तो और जो 18 से 19 आयु वर्ग के जो कुल मतदाता हैं वो 4,921 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें पुरुष 2,504 हैं और महिला 2,417 हैं। कुल 1,168 दिव्यांग मतदाता हैं इस विधानसभा सीट पे। साथ ही जो सीसामऊ विधानसभा उप निर्वाचन में जो 80+ आयु वर्ग के मतदाता हैं वो 2,914 लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से हमारा जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार अगर हम देखें तो कुल हमारी जो पोलिंग लोकेशन है वो 48 मतदान केंद्र है और मतदेय स्थल हमारे 275 हैं। इसी तरह से इस विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ भी स्थापित किया जा रहा है जिस पर सभी मतदान महिला मतदान कर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही एक PWD द्वारा मैनेज्ड बूथ भी, दिव्यांग मैनेज्ड बूथ भी बनाया जाएगा जहाँ पे दिव्यांग मतदान कर्मी तैनात रहेंगे। एक युवा मैनेज्ड बूथ रहेगा जहाँ पे युवा लोग, हमारे युवा कर्मी होंगे वहाँ पे। इसी तरह से एक मॉडल बूथ भी बनाएंगे वहाँ पे, मतदान का मॉडल बूथ भी बनेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कुल मिलाकर के जो मतदाताओं की संख्या है दिव्यांग मतदाताओं की 1,168 है और 80+ आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 2,914 है। तो इसमें जो पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है इनके लिए, इसमें इच्छुक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अपने घर से कर सकते हैं, उसके लिए जो है व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से जो कुल 275 पोलिंग स्टेशन और 48 पोलिंग लोकेशन पर कुल 269,770 मतदाता है, मैंने जैसे कि पहले बताया। और जो नाम निर्देशन पत्र लिया जाएगा, नाम निर्देशन पत्र जो लिया जाएगा वो अपर न्यायालय, अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय के जो न्यायालय कक्ष है वहाँ पे लिया जाएगा। साथ ही जो इसके रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय हैं रामशंकर जी, और इनके साथ जो है वो कार्यों के संपादन के लिए जो है नोडल अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। आप लोगों को इसका विस्तृत विवरण आई थिंक उपलब्ध कराया जा चुका है जिसमें कौन सी व्यवस्थाएं, कौन कौन से अधिकारी देखेंगे उनका पूरा विवरण आगे जो है वो दिया गया है। इसी तरह से आचार संहिता के अनुपालन के लिए इसमें टीमें गठित कर दी गई जिसमें 3 SST टीम है, 3 FST टीम है और 3 BST टीम है और BVT एक टीम होगी और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई है, एक असिस्टेंट ऑब्जर्वर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई है। जनपद में जो उपलब्ध EVM की जो उपलब्धता है वो सफिशियंट है, BU CU और BVPAD पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा जारी होने के साथ ही सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता जारी लागू हो गई है और इसको जो है इसका आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो नोडल ऑफिसर हैं
वो राजेश कुमार जी हैं जो हमारे एडीएम सिटी हैं, वो इसके नोडल अधिकारी होंगे। और आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसमें जो है रिटर्निंग ऑफिसर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कोई चुनाव का प्रचार प्रसार किया जाएगा।